हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है, और मैथमेटिक्स में जो है हम पढ़े थे अभी तक वो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो टाइम एंड डिस्टेंस का ये अगला जो है यहाँ पे हम लेक्चर लेके आए हैं। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं कोई एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, उनकी चर्चा करेंगे। कह रहे हैं ध्वनि की गति जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड है, यदि बादल की गुंज, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकेंड है, यदि बादल की गुंज बिजली की चमक से 10 सेकेंड बाद आती है। आपने देखा होगा जब बादल गरजते हैं तो बिजली पहले चमक जाती है, उसके बाद हमको गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। तो इसका जो है रीजन ये होता है कि जो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है प्रकाश, और ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पे 330 दिया सुविधा के लिए, क्योंकि हमको 332 से उसको डिवाइड ना करना पड़े, तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए स्पीड कम होने की वजह से वो हमको बाद में सुनाई देती है, और प्रकाश की चाल अधिक होने के कारण वो पहले हमको जो है दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि ध्वनि की जो चाल है 330 मीटर पर सेकंड है, और 10 सेकंड बाद जो हमको बिजली दिखती है, मतलब बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो उनके बीच दूरी बताना है। तो दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुणे समय, दूरी बराबर जो होता है वो चाल गुणे समय। तो चाल इसकी थी 330 जो चाल थी, और मीटर पर सेकेंड जो यहाँ पे दिया है तो 10 हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट यहाँ पे देखिए, एक मिनट क्या क्या गलती हो रही है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 330 हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, तो 330 3300 मीटर आ गया, 3300 मीटर ये आ गया। अब मीटर को किलोमीटर पैमाने में हम कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो दो जीरो से कट जाएगा, 3 का ये एक दशमलव यहां से हटेगा, यहां पे बैठ जाएगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा 3.3 किलोमीटर। मतलब जो है बिजली जो जब बिजली बादलों की जो टक्कर हुई होगी वो 3.3 किलोमीटर पर हुई होगी, उसके बाद यहाँ पे हमारी बिजली दिखाई दी 10 सेकंड बाद, हमको गड़गड़ाहट की आवाज आई, ठीक है। तो पहले हमको जो है वो बिजली दिखाई दी, उसके बाद 10 सेकंड बाद गड़गड़ाहट की आवाज आई, कितनी दूरी से, 3.3 किलोमीटर की जो है दूरी, ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये जो है इसको हम यहाँ से साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ दो। दो शहर हैं ए और बी, ए से बी की ओर जो ए और बी जो है दो शहर दिए गए हैं। एक कार जो है ए से बी की तरफ 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, और पुनः जब वापस आती है तो धीमी गति से आती है, वो अपनी चाल को कुछ कम कर लेती है, कुछ भी कम करती है हमको नहीं पता, कम कर लेती है। इस तरह से कुल यात्रा में उसे 56 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, लेकिन जितनी कम होती है उस हिसाब से उसको जो चाल का मतलब अंतर आता है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आ जाता है। तो वापस आने में उसकी चाल बताना है, आने पर बाद जब वो वापस आता है तो उसकी चाल बताना है आपकी, ठीक है। तो जो औसत चाल होगी उस चाल से हमेशा वो चाल जो आएगा वो कम ही होगी, तो यहाँ पे सारी कम दिख रही है, कभी कभी ज्यादा दे देता है सारे ऑप्शन, और आपको जो है सुविधा के लिए आप डायरेक्ट ध्यान से देखिए औसत चाल से, जो दूसरी चाल होगी, एक चाल ज्यादा है तो दूसरी चाल कम होगी, तो याद रखना, इसमें से वही वाला टिक कर देना, ठीक है। अब यदि करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है सॉल्व करेंगे अपने फॉर्मूले से। वो औसत चाल वाला जो फॉर्मूला था वो 2xy अपान एक्स प्लस वाई बराबर औसत चाल थी, ठीक है। औसत चाल अगर जो हमको एक चाल पता है दूसरी नहीं पता है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला इसी से बन जाता है, ज्ञात चाल जो हमको जो दूसरी जो अज्ञात चाल है, अज्ञात चाल जो है अज्ञात चाल को ए लिख लेंगे, जो ज्ञात चाल है उसको लिख देंगे जो हमको चाल दी गई है। तो ज्ञात चाल जो हमको दी गई है
ठीक है, गुणे कर देंगे औसत चाल, औसत चाल से गुणा कर देंगे। अपान, अपान हम क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे, जो हमको चाल यहाँ पे पता नहीं, मतलब ज्ञात चाल है उसका दो गुना, ज्ञात चाल का दो गुना, ठीक है, ज्ञात जो चाल है, जो चीज चाल पता है उसका दो गुना माइनस कर देते हैं, जो हमारी औसत चाल होती है, औसत चाल जो होती है उससे हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, औसत चाल से माइनस कर देंगे। ये इसी से फॉर्मूला बन जाएगा, एक पता है दूसरा, तो हमको डायरेक्ट जो है एग्जाम में उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम डायरेक्ट जो है सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो ज्ञात चाल जो हमारी कितनी थी वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे थी, अज्ञात जो हमको जो औसत चाल थी वो 56 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अब यहाँ पे देखिए दो का गुणा कर देंगे किससे, 64 से, ज्ञात चाल 64 थी, माइनस कर देंगे औसत चाल हमारी कितनी थी, औसत चाल जो हमारी थी वो 56 थी। अब यहां से जो है कॉमन ले लेंगे, 64 दुना 128, यदि हम इससे कॉमन लें तो ले सकते हैं, देखिए कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 64 इंटू 56 आ जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, 8 सत्य 56 होता है तो 8 इन से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 8 सत्य 56 होता है तो यहाँ पे 16 बच जाएगा, ठीक है, 16 माइनस यहाँ पे 7 बच जाएगा, तो 16 माइनस 7 बराबर जो आ जाएगा वो 64 गुड़े 56 अपान 8 गुड़े यहाँ पे 9 आ जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 आ जाएगा, 9 ये ऐसे नहीं कटेगा, सॉरी, देखिए 8 का 8 गुना होता है 64, 8 का 8 गुना 64 होता है, और ये तो 7 8 56 होगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा, 8 7 56 नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, तो 8 का ये इसका गुणा कर लेंगे, 8 6 48 का 8 हो जाता है, और 8 8 5 40 40 4 44 हो जाता है, 44 हो जाता है, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 का 4 गुना होता है 36, 9 का 4 गुना होता है 36, और 36 चार उधर होंगे तो 88 आ जाएगा, ये 9 का 9 गुना होगा 81, तो 81 होगा 7 बच जाएगा, 9 सत्य 63 होता, तो 19.7 समथिंग जो आएगा ये करीब, इसकी औसत चाल आएगी 19.7 समथिंग, तो यही वाला जो है तीसरे में दिख रहा है 7, यहाँ पे दूसरे नंबर पे 1919 में, तो ये वाला नहीं होगा, तीसरा नंबर का जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है, तीसरा नंबर इसका जो है सही आंसर बता रहा होगा। एक अगला क्वेश्चन देखिए, बिना विश्राम के एक व्यक्ति जो है किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और विश्राम करके जाता तो वो 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसने एक घंटे में कितने मिनट विश्राम किया होता अगर जो वो चाल उसकी 42 किलोमीटर ही रही होती, और समय जो जितने मिनट में 28 घंटे में 28 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दूरी तय किए। इसको करने के लिए हम 42 पहले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे 28, इनका जो है एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 14 का 2 गुना 28 होता है, 14 का 3 गुना 42 होता है, ठीक है, 14 3 42 होता है, 14 2 गुना 28 होता है, तो 2 3 जो होता है 6 होता है, 2 3 6 होता है, और 14 6 84 होता है, तो 84 किलोमीटर आ गया। 42 को 2 बार से डिवाइड, 84 से डिवाइड करें, 84 को 42 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, ये समय बताएगा, और इसको 28 का 3 बार जाएगा तो 84 आ जाएगा, 28 से 84 होगा, इनके समय का अंतर 1 है, मतलब एक 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में उनको एक घंटे का विश्राम करना पड़ता है, कितने घंटे का, एक घंटे का विश्राम, जो मतलब पहले वाले जो समय था 2 घंटे में तय करता था, अब 3 घंटे में, 1 घंटे उसको समय ज्यादा लग रहा है, कितना समय ज्यादा लग रहा है, 1 घंटे, एक घंटे समय ज्यादा लगा, अगर जो वो 42 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता तो 2 घंटे में तय करता, नहीं अब ये कह रहे हैं कि 42 किलोमीटर चाल रहे और समय उसका 3 घंटे रहे, समय इसके हिसाब से चले तो समय 3 घंटे रहे तो कितनी देर विश्राम करेगा हर घंटे में, एक घंटा समय ज्यादा लग रहा था और 3 से डिवाइड कर देते हैं तो एक घंटे जो है उसका समय ज्यादा लग रहा था, 7 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट का आ जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा 20, इसका मतलब हर घंटे में वो 20 मिनट विश्राम करता, ऑप्शन देखिए कहीं पे दिख रहा होगा, पहला ही इसका सही है, 20 मिनट विश्राम, ये इस क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, ठीक है, जो इसका अंतर आए उस दूसरे वाले से डिवाइड कर दीजिए मिनट में कन्वर्ट करके, इसका जो है ट्रिक यही है।
इसी प्रकार से बिना रुकावट से इसकी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, रुकावट के द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो प्रत्येक घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? ये भी वही क्वेश्चन है। ये 54 है, यहाँ पे 55 है, इन दोनों का देखिए 9 कच्चे 45 होता है और 9 कच्चे 54 होता है, 9 पच्चे 45 होता है, तो यहाँ पे 9 6 54 होता है, तो 54 का गुणा 5 से करेंगे, तो 54 का गुणा यहाँ पे 5 से करेंगे, तो 54 गुणे 5 कर देंगे, इससे हमको मतलब नहीं है। 45 को से जब हम इसको 54 गुणे 5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसमें 9 गुणे 6 आ जाएगा, तो 5 ये इधर का 9 5 9 45 होता है, तो 6 बचेगा, यहाँ पे 6 घंटे इसको समय लग रहा था, और 54 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 और 6 ये कट जाएगा, 5 घंटे ये वाला बच जाएगा, तो मतलब 5 घंटे समय इसको ज्यादा लगेगा। इन दोनों को समय का अंतर है एक, मतलब एक घंटे वो विश्राम कर सकता है, एक घंटे उसको समय ज्यादा लग गया तो इसी में वो विश्राम कर सकता है, मतलब जो 45 किलोमीटर से चलता है। अब 54 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा तो एक ही घंटे विश्राम करेगा, एक घंटे विश्राम करेगा तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और इसके द्वारा समय जो लग रहा था वो 6 घंटे लग रहा था, तो 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब हर घंटे में वो 10 मिनट विश्राम करे तो उसको 6 घंटे में वो दूरी को कवर कर लेगा। तो ये इसका ऑप्शन जो है उसका सेकेंड नंबर जो है उसका सही होता है ऑप्शन नंबर। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, इसका अगला नेक्स्ट डे आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।